दोगुनी कर दी ताकि लोग सख्ताई से इस जो काटा जा रहा है नहीं पहला नहीं कट रहा भैया 90 में पहला है। मैं नोएडा रहता हूँ, मुझे इस बात का नहीं पता था कि आज से ये स्टार्ट होने वाला है। मैं रात में आया था किस काम से, मैं लौट रहा था, हमने देखा पोस्टर, हम लोग जल्दी जल्दी निकल भी रहते हैं बट क्या कर सकते हैं। तो आगे से ये गलती नहीं बिल्कुल नहीं होगा। अरे इधर चलो हम लोग जो नासा की सैटेलाइट की इमेजेस देख रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे उत्तरी भारत के अंदर इस वक्त बहुत गहरा प्रदूषण की चादर छाई हुई है, धुएं की चादर छाई हुई है। और हम लोग दिल्ली में प्रदूषण को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, लोगों की सेहत को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, हमारे बच्चों की सेहत को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। इसलिए दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के साथ मिलके जो भी कदम हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे बस में हैं, वो सारे कदम हम लोग उठा रहे हैं। और आज से दिल्ली में व्हीकल्स की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए, देखिए जो बाहर से प्रदूषण आ रहा है, पराली का, फसलों के जलने का पोल्यूशन, उस पोल्यूशन को कम करने की तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे निपटने के लिए हम मास्क बंटवा रहे हैं स्कूल के बच्चों के ज़रिए। लेकिन अपना दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसे कोशिश करके और कम कर सकते हैं। तो व्हीकल्स के पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली में जैसे डेली 30 लाख कारें सड़क पे उतरती हैं, तो आज 15 लाख कारें सड़क पे नहीं उतरेंगी, तो 15 लाख कारों का जो धुआं होता था वो कम हो जाएगा। इसके लिए आज से ऑड इवन शुरू किया है और मुझे बेहद खुशी है। सुबह 8 बजे आज शुरू हुआ था, तो पूरे दिल्ली से जो रिपोर्ट आ रही हैं लगभग 100% इसका पालन हो रहा है। दिल्ली के लोगों ने जम के इसका समर्थन किया है, वॉलंटरीली इसका समर्थन कर रहे हैं। पूरे दिल्ली से मेरे ख्याल से इक्का दुक्का कोई चलान की घटनाएं सुनने को मिली हैं। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर बार की तरह कठिन से कठोर कदम का भी दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। अभी हम सब लोगों ने पिछले 2.5 महीने में, पिछले 10 हफ्तों से मिलके हमने डेंगू को हराया, सक्सेसफुली डेंगू को हराया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे दिल्ली के लोगों के साथ मिलके हम लोग प्रदूषण को भी काबू पाने में कोशिश करेंगे। सर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 1500 करोड़ रुपए आपने विज्ञापन के लिए खर्च किए, अगर इतने प्रदूषण के लिए होते तो शायद कम हो जाता। वो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। और ये बिल्कुल गलत है कहना कि हमारा टोटल दिल्ली का सारा बजट मिला के ऐड का मेरे को लगता है 150 से 200 करोड़ है और अभी भी उसमें काफ़ी पैसा पड़ा हुआ है। तो वो झूठ पे झूठ फैलाते हैं। और हमने ऐड पे किस लिए खर्च किए, हमने डेंगू के ऊपर कैंपेन चलाया, डेंगू के ऊपर इतना ज़बरदस्त तरीके से हमने पूरी दिल्ली के अंदर अवेयरनेस फैलाई। नहीं फैलानी चाहिए थी, डेंगू से मरने देते हम लोगों को। मैं जावड़ेकर साहब से पूछना चाहता हूं कि डेंगू का कैंपेन अपनी तरह का पूरी दुनिया का पहला कैंपेन था। जब 100 से ज़्यादा देश पूरी दुनिया के अंदर डेंगू से जूझ रहे हैं, हमारे देश के अंदर सारे शहर डेंगू से जूझ रहे हैं, दिल्ली अकेला शहर है जिसने एक कैंपेन के ज़रिए 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन के ज़रिए डेंगू ख़त्म कर दिया। मुझे लगता है कि हमारे केंद्रीय मंत्री को दिल्ली के लोगों की तारीफ करनी चाहिए थी, ना कि उनके इतने बड़े प्रयास को कमजोर दिखाना। एक मिनट। दूसरा, नॉर्थ इंडिया का जो पूरा इशू है प्रदूषण का, उसमें अकेले दिल्ली क्या कर सकती है? वो तो केंद्र को करना पड़ेगा ना। केंद्र को सारे राज्यों को एक साथ बिठाना पड़ेगा। जो रीजनल रीजंस हैं, जो फसलें जल रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी जल रही है, पंजाब में भी जल रही है, हरियाणा में भी जल रही है, उसको तो वही केंद्र सरकार ही सब लोगों के साथ मिलके कर सकती है ना, उसमें दिल्ली को क्यों वो दोष देते हैं, दिल्ली के लोगों को क्यों दोष देते हैं। एक सवाल और है, आज जब और इवेंट के दौरान ये फाइंडिंग्स आई है, रिपोर्ट्स आई थी स्टेशन से, हमारे सहयोगी ने किया कि जो टैक्सीज हैं जो 500 रुपए लगते थे वो 1000 रुपए ले रहे हैं नोएडा जाने के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। ऐसी मैं सभी दिल्ली के ओला और उबर ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो सर्ज प्राइसिंग नहीं करेंगे और हमने भी उनको आदेश दिए हैं कि वो सर्ज प्राइसिंग ना करें। उसी तरह से ऑटो और टैक्सी के किराए अभी बढ़ाए गए थे और मैं उन सभी ऑटो वाले भाइयों से अपील करता हूं कि वो ओवर चार्जिंग ना करें, अगर ओवर चार्जिंग करेंगे तो सरकार सख्ती करेगी। अगर 30 लाख व्हीकल रोज सड़क पे उतरते थे और 15 लाख उतरेंगे और 15 लाख व्हीकल्स का धुआं कम होगा तो डेफिनेटली कम तो होगा ही होगा। आप आए कि ऑर्डिनेंस का हम समर्थन नहीं करते, वो चलान भी कटाएंगे, विरोध करेंगे। कौन? विजय गोयल, बीजेपी। मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि जब पूरी दिल्ली के लोग, सारी दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके ऑड इवन का समर्थन कर रहे हैं, ऑड इवन का पालन कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। दिल्ली के लोगों के जो एफर्ट्स हैं प्रदूषण को रोकने के लिए उसका विरोध कर रही है। मुझे लगता है ये सही नहीं है, बीजेपी को इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के लोगों का साथ देना चाहिए बीजेपी को, दिल्ली के लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। संजीव जैन को कह रहे कि 1174 उसको लेकर, क्योंकि बसेस का आपने टारगेट रखा था 2000, वो 8.5। मैं देख लेता हूँ, अगर किसी रूट के ऊपर स्पेसिफिक समस्या है तो उस पर बढ़ा देंगे हम। जगह जगह पोस्टर लगाए, वो कह रहे हैं कि 1174 करोड़ रुपए जो प्रदूषण नियंत्रण के थे उस पर अभी तक सरकार कुंडली मार कर बैठी हुई है। हमारे पास कौन से 1174 है? 1174 पता नहीं कौन से नियंत्रण, ऐसा नहीं है। प्रियंका, जगहें हैं जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं वो हमेशा होते हैं, लेकिन आज हमने काफी सारी ऐसी जगह देखी जहाँ पर वो नहीं है, तो आपको सपोर्ट मिल रहा है। अब मैं इस पे चेक कराता हूँ, अगर दिल्ली बॉर्डर पे भी मैं अगर ऐसा है, आप लोग बता रहे हैं अभी, अगर मीडिया वाले जो बता रहे हैं कि कुछ ट्रैफिक जंक्शंस पे ट्रैफिक पुलिस के लोग मौजूद नहीं हैं, तो मैं ट्रैफिक पुलिस से अपील करना चाहूँगा कि वो इस बात का ख्याल रखें। ट्रैफिक पुलिस को मुस्तैदी के साथ ऑड इवन में मदद करनी चाहिए लोगों की और ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मदद करनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एलजी साहब से बात करूँगा। आज तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम बाहर देखें तो चारों तरफ धुआं ही धुआं है, चारों तरफ सांस लेने में दिक्कत हो रही है अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को, यहाँ के जवान लोगों को भी, सबको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आँखें जल रही हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि आखिर हम दिल्ली के लोगों का कसूर क्या है, इतना ज़्यादा जो हम लोग अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है। इस साल लगभग फरवरी से लेके 10-15 अक्टूबर तक हमारे दिल्ली में पोल्यूशन ठीक था, हवा साफ़ थी, आसमान साफ़ था। आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आज से 20 दिन पहले दिल्ली के आसमान की है। कितना साफ़ सुथरा नीला आसमान है दिल्ली का। उन दिनों में तारे दिखाई दे रहे थे, रात को चाँद दिखाई देता था रोज़। और ये तस्वीरें आज की हैं, चारों तरफ धुआं ही धुआं, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन। आखिर इन 20 दिनों के अंदर दिल्ली के लोगों ने तो कुछ गड़बड़ नहीं की ना। दिल्ली के लोगों ने तो ऐसा नहीं कि दिल्ली के लोगों ने अचानक इन 20 दिनों के अंदर 1 करोड़ गाड़ियां खरीद ली या कोई 10 लाख इंडस्ट्री लग गई। तो ये 20 दिनों के अंदर जो हमारा आसमान ख़राब हुआ है, ये जो बाहर से फसल जलने का धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है, इस वजह से आसमान ख़राब हो गया, इस वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं है। पहले हम इसको समझें कि पिछले अभी आज से कुछ साल पहले तक दिल्ली के अंदर पूरा साल पोल्यूशन रहता था, पूरा साल हमारा जीना मुश्किल होता था। लेकिन हम सब दिल्ली वालों ने मिलके, आप सब लोगों ने मिलके दिल्ली के अंदर पिछले कुछ सालों में खूब मेहनत की और उसकी वजह से बाकी पूरा साल पोल्यूशन कम हुआ। इस बार दिवाली पे आप लोगों ने कमाल करके दिखाया। दिवाली के ऊपर इतने कम पटाखे बजे, लेकिन लगभग 80%, 70% बच्चे, मैंने बच्चों से पूछता हूँ, बच्चे कहते हैं हमने पटाखे नहीं बजाए। 15-20% बच्चों ने पटाखे बजाए। हमारे बच्चों ने पटाखे बजाने बंद कर दिए। दिल्ली सरकार ने लेज़र शो का प्रोग्राम किया था ना कनॉट प्लेस में, इतने हज़ारों लोग गए, अपने पटाखे छोड़ के वहाँ देखने के लिए गए। इस समय बीमारी क्या है? बीमारी ये है कि फसलों का धुआं यहाँ आ रहा है और फसलों के धुएँ को रोकना है। हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते, हम बस ये कह रहे हैं सारे मिलके आइए इस फसलों के धुएं को रोकने की कोशिश करें। इसमें कोई दो राय नहीं कि फसल का धुआं, सारी एजेंसीज बता रही हैं, सारे इंजीनियर, सारे साइंटिस्ट, सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि फसलों का धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है, इस वजह से चारों तरफ इतना पोल्यूशन है। तो ब्लेम गेम करने का हमारा कोई मकसद नहीं है और इस चीज़ पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा ये कहना है सारी सरकारें मिल के बैठ के इसके ऊपर, हम सारे मिल के बैठ के इस पर बात करें। कल से ऑड इवन शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। मेरी आप लोगों से सबसे विनती है, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों की खातिर, अपने परिवार की खातिर, हम सब लोगों को, दिल्ली की खातिर, अपने दिल्ली परिवार की खातिर, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की खातिर, आइए इसको पालन करें, अच्छे से पालन करें। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक।